हम विजिट कर रहे हैं गया के लिए ना, पूरे जो है क्या क्षेत्र के लिए नहीं। अब आप लोग यहाँ से उठा के सीधे गया भेज देते हैं, यहाँ यहाँ गया में ऑक्सीजन कमी, यहाँ ऑक्सीजन है, जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मरांडी ने जिले के परैया गुरारू तथा गुरुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अपने समर्थकों के साथ निरीक्षण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही डीहा पंचायत के पूर्व सरपंच रमेश कुमार सिंह को कोरोना काल में उनके बेहतर कार्य को देखते हुए सम्मानित भी किया। वहीं गुरारू प्रखंड के स्वास्थ्य प्रबंधक राजीव कुमार रंजन को गुलदस्ता देकर हौसला अफजाई भी की। आते ही के साथ जब हिला तो मैंने एक तड़पते हुए अपने आंखों से देखा मरते हुए, जो आप लोग भी वहाँ थे एकदम मैंने मेरे सामने आंखों से देखते अपने तड़पते मर गया। जब मैंने पूछा कि भाई प्रभारी कहाँ है तो प्रभारी 3 दिन से नहीं आए। मैंने पूछा कि भाई यहाँ मैनेजमेंट को देख रहा है तो 2 दिन से नहीं आए। मैनेजर साहब मतलब 2 दिन से नहीं आए। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई आप लोग किसके भरोसे ही चल रहा है हॉस्पिटल। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विनोद, तो एक डॉक्टर हैं उनका नाम डॉक्टर विनोद, विनोद जी का नाम बताया गया और उनके मार्फत ये चल रही है। तो एक डॉक्टर के भरोसे हम मैं पूछता हूँ कि जैसे कि 24 घंटा तो नहीं चलेंगे, सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी होते होंगे, बस 8 घंटा करते होंगे, बाकी तो ताला लटक जाते होंगे। जबकि वहाँ पोस्टेड 3 डॉक्टर हैं। मैं पूछता हूँ ये नीतीश कुमार जैसे मऊगा मुख्यमंत्री हम इस धरती पर कभी देखा ही नहीं, ये कहाँ हैं? मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री ये कहाँ हैं? ये क्या हो रहा है? परैया हॉस्पिटल का ये हाल है। मैं पूछता हूँ कि सिर्फ कागज पर बनते हैं क्या? मैं पूछता हूँ कि सिर्फ कागज पर बनते हैं? उसमें देखिए गाड़ी में कुछ कागज है। अच्छा, मरीज की मौत पर क्या बताया गया था? मरीज के मौत पर हमें सिर्फ ये बताया गया कि वो नेगेटिव था, लेकिन वास्तविक वो हमको कागज नहीं दिखाया गया। जब मैंने कागज मांगा तो कागज हमको नहीं दिखाया गया कि नेगेटिव था कि पॉजिटिव था, लेकिन हमें वो कहा गया कि नेगेटिव था, ये कोरोना से नहीं मरा। गया से मनोज कुमार के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, HN Live India।